फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पैसे कमाने के लिए अपना जमीन बेच रहे हैं प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए 4 लोग। आपको बता दें कि भयंकर महामारी के दौर में प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारी लगातार पैसों के लिए अपना जमीन बेच रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपी अस्पताल में आए मरीजों से बचे हुए इंजेक्शनों को 30,000 में बेच देते थे। चारों आरोपी प्राइवेट अस्पताल में स्टाफ नर्स का काम करते थे। इस बात का खुलासा DCP जयवीर राठी ने किया है। आपको बता दें कि पुलिस की पकड़ में दिखाई दे रहे ये वही आरोपी हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। पुलिस इनको आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की बात कर रही है। DCP जयवीर राठी की माने तो आरोपी अस्पताल में ही काम करते हैं। वहां पर तो मरीज अपने इलाज के लिए आते थे, उनको परिजनों से ही यह इंजेक्शन मंगवाते थे। जब मरीज वहां से छुट्टी करके चला जाता था तो बचे हुए इंजेक्शनों को वह बेचकर काला बाजारी करते थे। CIA की टीम ने इन आरोपियों को धर दबोचा और इनके पास से 16 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। पुलिस इनको रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ करेगी। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। सर, 7 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? ये कल हमने हमारी CIA बोर्ड और CIA 56 ने मिलकर कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे टोटल 10 इंजेक्शन हमारे को बरामद हुए हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, ये फार्मेसिस्ट हैं, हॉस्पिटल में ही काम करते थे। हॉस्पिटल में जो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है उनका जो भी इंजेक्शन है, 1 बच गया, 2 बच गए, ये इनको अपने पास रख लेते थे और परिजन को जल्दी रहती अपने पेशेंट ले जाने की, वो अपने पेशेंट ले उनसे बचा बचा के इन्होंने ऐसे इकट्ठे करे। एक आदमी जो जिससे 4 बरामद करे वो हॉस्पिटल में, वो भी फार्मेसिस्ट है, उसने ये कहा मेरे परिजनों को ये इंजेक्शन चाहिए, उसने 4 इंजेक्शन वहाँ से ले लिए, लेकिन आगे ब्लैक करने के लिए दूसरे को बेच दिया। तो ये कितने में बेचते थे और इनकी ओरिजिनल कीमत क्या थी? ओरिजिनल कीमत इसकी 3,500 के करीब है, लेकिन ये कोई 18,000 का बेच देता, कोई 20,000 का, जैसे जिस हिसाब से ग्राहक मिलते उस हिसाब से। तो ये पता लगा कहाँ तक और कितने इंजेक्शन अब तक बेच चुके हैं? नहीं, इन्होंने अभी परसों कल 2 बेचे थे, वो भी हमने रिकवर कर लिए, टोटल मिला के अभी 10 करे थे। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती? अभी पुलिस और कब पुलिस रिमांड लेगी, उसने बताया 10 इंजेक्शन और उसके पास पड़े तो वो बरामदगी करने के लिए उसका रिमांड हासिल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, अपील करना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा, हम तो अपनी कोशिश करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई।